हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गेमिंग चैनल पे क्रिश्चियन वाईटी पे, और मैं हूँ कृष्णा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। जो मैं सेंसिटिविटी सेटिंग्स MSI एप प्लेयर पे किया है, तो उस पे तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, अगर आप लोगों का हेल्प होता है मेरी ऐसे वीडियो बनाने से, सो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। एंड जो भी चैनल पे नए आए हैं, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सेंसिटिविटी, ये MSI एप प्लेयर का जो है, इसका मैं आप लोग को सेटिंग दिखा देता हूँ मैंने सेटिंग्स क्या रखा है। इससे पहले मैं आप लोग को मेरा पीसी का जो स्पेक्स है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले। तो देखो दोस्तों, मेरा i5 थर्ड जनरेशन का है, तो बहुत ही घटिया है। इसको मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, एंड रैम को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रैम भी मतलब DDR3 है। तो अच्छा गेम खेलने के लिए अच्छा सब कुछ चाहिए, बट फिर भी चल जाता है। तो आप लोग भी कह सकते हो मेरा भी इतना अच्छा पीसी नहीं है, एंड 1050 Ti का ग्राफिक्स कार्ड है। तो चलो मैं आप लोग को सेटिंग्स दिखा देता हूँ पहले। सो यहाँ पे देखो, सेटिंग्स डिस्प्ले सेटिंग जो है मैंने 1920 रखा है। फिर वैसे मेरा दोस्तों, मेरा डिस्प्ले जो है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ बताता हूँ, ताकि आप लोग को समझ आए। तो यहाँ पे क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देखो दोस्तों, मेरा जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है रिकमेंडेड है इतना, तो क्योंकि ये मेरा मॉनिटर जो है दोस्तों फुल HD भी नहीं है, सिर्फ HD है। तो उसकी वजह से मेरे कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं, उसकी वजह से करते हैं। तो मैं नया PC मतलब मॉनिटर लेने की सोच रहा हूँ, तो वो लूंगा तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा। सो आप लोग को ऐसे करना है, अगर आप लोग का अच्छा मॉनिटर है तो इसको तो मस्त भी ऐसे ही रखना है। एंड आप लोग चाहते हो कि और भी कम रेजोल्यूशन पे खेलना चाहते हो, तो मैं मतलब प्रेफर करूंगा कि इस पे खेलो, तो या फिर इस पे। एंड आप लोग का फुल HD है तो इसको ही लगाना पड़ेगा। तो इंजिन पे जाना है आप लोगों को, एंड उस पे OpenGL करना है ग्राफिक्स मोड पे। यहाँ पे यूज डेडिकेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो जिसका ग्राफिक्स कार्ड है वो इसको टिक मार कर दे, एंड जिसका नहीं है इसको भी आप लोग इसको टिक कर देना। तो यहाँ पे मेरा CPU का कोर जो है 4 है, तो मैं फुल सपोर्ट की मतलब के साथ खेलूंगा, तो इसीलिए मैंने सब कुछ जो है मैक्स कर दिया। वैसे मेरा रिकमेंडेड मेमोरी भी आ रहा है इतना, तो इसीलिए कर दिया। तो यहाँ पे एक और बात दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो FPS है मैंने रखा है यहाँ पे 60। तो जिसका मतलब मॉनिटर जो है, मॉनिटर अच्छा होता है तो वो लोग जो है इसको फुल कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोग का 60Hz मॉनिटर है तो इसको 60 रखे, आगे बढ़ने से आप लोग का ही प्रॉब्लम होगा। तो जिसका अच्छा मॉनिटर है, ग्राफिक्स कार्ड भी है भाई, वो लोग फुल करके भी खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पे इनेबल कर देना आप लोगों को। तो उसके बाद जाना है आप लोगों को एडवांस पे। तो एडवांस पे क्या रखना है, यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus का रख देना है। तो ये सभी आप लोगों ने देख लिया, ऐसे तरीके से कर लेना है। तो MSI एप प्लेयर भाई आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा वेबसाइट, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया है सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फ्री फायर का इन गेम सेटिंग्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बाकी BLUESTACKS का जो वीडियोस बनाया है वो सभी पे मैंने जो दिखाया है ऐसे ही मैं रखता हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे रखना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरा रेजोल्यूशन मैंने कितना रखा है, यहाँ पे जनरल जो है 90 रखा है, एंड रेड डॉट जो है 14, एंड 2x को 48, एंड 4x को भी ऐसा रख दिया। और यहाँ पे ओम देख सकते हो 50। अगर आप लोगों को ओम 50 रखने से प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इसको 20 या फिर 25 पे कर सकते हो। फिलहाल मैं तो ओम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट ही रख दिया है। बाकी सब जो आप लोग करना चाहते हो ये सब कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे कस्टम HUD पे जाना है आप लोगों को। जो मेन चीज़ है यही है दोस्तों, आप लोगों को सही से देखना पड़ेगा जो मैंने कैसे रखा है। सो उस हिसाब से आप लोगों को वैसे रख देना है। तो यहाँ पे सभी 20 करना है आप लोगों को। ये देखो सभी जो है ये 20 कर देना है। 20 करने के बाद जो फायरिंग बटन है, एकदम जो यहाँ पे एक डॉट जैसा देख रहा है उसके ऊपर रखना है, जैसे मैंने रखा है ऐसे तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग जैसे भी ये सभी रखना चाहते हो वो रख देना, लेकिन जो फायरिंग बटन है इसको यहाँ पे रखना। एंड सभी जो बटन है जो काम की चीज़ है वो सभी ऐसे कर रख देना है। यहाँ पे मूवमेंट का बटन को आप लोगों को 10 करके रखना है। 10 करने के बाद नीचे लेके आना है। तो सब कुछ करने के बाद मैं आप लोग को कीबोर्ड का जो कंट्रोल है ये दिखा देता हूँ, एडवांस कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने क्या रखा है एडवांस कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो WS जो यहाँ पे मूवमेंट है, WASD। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे ओपन हो गया देखो दोस्तों।
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पे 16.6674.88 रखा है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही रख देना है, जो मैंने रखा है ऐसे ही रखना है। तो इन बाकी ऊपर का जो है ऐसे रख देना है। अगर आप लोगों को ये मतलब साइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप लोगों को डायरेक्ट टाइप करने से ये हो जाएगा, एंड नीचे का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का है दोस्तों। तो ऐसे तरीके से मूवमेंट बटन को ऐसे रखना है, इससे रखने से अच्छा कंट्रोल बनेगा आप लोगों का। तो दोस्तों ऐसे तरीके से करना है, एंड यहाँ पे पेन सेटिंग्स पे जाना है आप लोगों को। देखो पेन सेटिंग्स, तो इस पे क्या रखना है, यहाँ पे सेंसिटिविटी रेशियो जो है दोस्तों, तो इस पे दो मैंने दो सेटिंग्स बनाए हैं। पहले आप लोग मतलब खेल सकते हो इस पे ऐसे तरीके करके, जो फर्स्ट सेटिंग्स है मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो गेम प्ले के साथ दिखाऊंगा ये वाला सेटिंग्स का। तो ये वाला सेटिंग्स जो है ऐसे करना है आप लोगों को, एंड इसके बाद इसको 6 पे रख देना है। तो हो गया दोस्तों, तो ये रहा पहला सेटिंग्स, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं छोटा सा इस अभी आप लोग देखोगे ये इस सेटिंग्स का मैं आप लोग को छोटा सा क्लिप गेम प्ले दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो आप लोग ये वाला देखो, तो दोस्तों पता चल गया होगा ये वाला सेटिंग्स से मतलब कैसे काम करेगा। तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट सेटिंग्स पे दिखाऊंगा मतलब वो कितना अच्छा है। तो उसके लिए इसको इस ये माउस सेंसिटिविटी 4 करने से जो मूवमेंट है आप लोगों का, जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो होता है, उसका जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। तो उसको आप लोगों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 7 कर देना है। इससे मतलब हेड लगने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, देख लो आप लोग। सो ये रहा सेट योर सेकेंड नंबर सेटिंग्स। तो इसका गेम प्ले आप लोग देखो, अभी ये वाला गेम प्ले आप लोग देखो। First blood. Double kill. First blood. तो दोस्तों मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया, दो तरीके का सेटिंग्स दिखा दिया, पेन सेटिंग्स वगैरह ब्लू स्टैक्स का सब कुछ। तो ये दो सेटिंग्स अगर आप लोगों को जो भी अच्छा लगा आप लोग खेल सकते हो उससे। पहले
ऐसा नहीं है भाई, आप लोग ने खेला छोड़ दिया, फर्स्ट आप लोगों को कुछ टाइम देना पड़ेगा एक ही सेटिंग्स पे, तभी जाके आप लोगों का अच्छा काम करेगा। सो जो भी ट्राई करो अच्छे से करो, एंड एक ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ही सेटिंग्स पे खेलो, बार बार चेंजेस ना करें, प्रॉब्लम नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आप लोग मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हो ऐसा। तो जो भी खेल दो उस पे ही खेलो, एग्जैक्टली जो परफेक्ट एक पर मिल जाए आप लोगों को वही खेलो। तो दोस्तों सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कैसे करना है क्या करना है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे नए हैं भाई हो सकता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय क्रिश्चियाटो गेमिंग।